उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक भैंसी दरिंदा 8 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाकर मौके से फरार हो गया। बच्ची रोती बिलखती घर पहुंची। परिजन खून से लथपथ बच्ची को लेकर थाने पहुंचे, परिजन की तहरीर पर मामला दर्ज किया और अभियुक्त की तलाश में जुट गई। साथ ही पुलिस ने बच्ची को परीक्षण के लिए महिला जिला अस्पताल भेजा, जहाँ बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल मामला मैनपुरी के थाना बेवर इलाके का है, जहां एक परिवार अपनी गुजर बसर कर रहा है। परिवार की दो बच्चियां शौच क्रिया के बाद आ रही थी। बच्चियों को एक अज्ञात युवक ने अपना परिचय देते हुए दोनों को समोसे में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया और बड़े बच्चे के साथ दरिंदगी की। वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। रोती बिलखती खून से लथपथ बच्ची घर पहुंची। बच्चे को इस हालत में देखकर परिजन बच्चे को लेकर थाने पहुंचे। परिजन की तहरीर पर पुलिस मामला दर्ज करते हुए अभियुक्त की तलाश में जुट गई। साथ ही पुलिस ने बच्ची को परीक्षण के लिए महिला जिला अस्पताल भेज दिया, जहां बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई, इस सूचना पर मैंने अभी घटनास्थल निरीक्षण किया। बच्ची के पिता द्वारा तहरीर दे दी गई, इस पर मतलब पंजीकृत किया जा रहा है। जल्दी हम लोग इसमें कार्रवाई करके दोषी को जेल भेजेंगे। किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया? अभी जस्ट सूचना आई है और हम लोग इस पर काम करना शुरू कर दिए हैं। जल्दी उसको गिरफ्तार करेंगे जो भी दोषी। Thank you.